साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास रेमेडी बता रहा हूं। ये उपाय यदि आपने सही तरीके से मेरी बताई विधि से कर लिया, आप देखेंगे दोस्तों कि धन के एक नहीं दो नहीं आपके हजारों रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि आज की जो रेमेडी है ये आपके शनि राहु केतु को बैलेंस करेगी, साथ में आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये उपाय मैंने काफी जगह शेयर किए हुए हैं, मतलब कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने शेयर किए हैं, फीडबैक बहुत अच्छा आया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होते हैं। अगर मन विचलित रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा का सीधा संबंध होता है जल से। तो एक चीज हमेशा शुरू कर दीजिए कि पानी जब भी पीते हैं, काफी लोग ये गलती करते हैं, ग्लास में पानी ले लिया, आधा पानी लिया, आधा उसमें छोड़ दिया, इससे आपके चंद्र कमजोर होते हैं। तो कभी भी आपको उतना पानी यूज करना है पीने में जितना पी सके, फालतू का पानी आपको वेस्ट नहीं करना है। यदि आपके घर में कहीं लीकेज है पानी वगैरह का, अगर पानी अगर बह रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, लीकेज वगैरह है, तो उसको तुरंत सुधरवा लें। ये तो घर से पैसा अनएक्सपेक्टेड पानी की तरह बाहर जाना शुरू हो जाता है। ये छोटे छोटे से टिप्स दोस्तों हमेशा फॉलो करते रहें। और एक चीज का हमेशा याद रखें, काफी घरों में मैंने देखे कि दरवाजे जो होते हैं जब आवाज करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो चर मरे की आवाज आती है। अगर ये कंडीशन है तो आपका वास्तु बिगड़ा हुआ है, आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है ऐसे में। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है। और मैंने काफी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि पानी जो है एक जीवित तत्व है। पानी हमारे थॉट्स को, हमारे जो सोच है विचार, इनको ऑब्जर्व करता है, इनको सोखता है। तो पानी दोस्तों जो होता है, हमेशा जब भी पानी पिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आपके चंद्र मजबूत हो, आपकी जिंदगी में पानी की तरह पैसा आए, तो जब भी पानी पीते हैं तो हमेशा याद रखें संपूर्णम, पानी को देख करके तीन बार बोलना है संपूर्णम संपूर्णम संपूर्णम, उसके बाद में पानी पिए। और जूठा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये चीज अगर आप शुरू कर देते हैं आप, तो चंद्र आपके मजबूत होंगे, है ना। और चंद्र जो होते हैं मन को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यू आइडियाज देते हैं। और एक चीज और गलती करते हैं काफी लोग कि पैकेट में दूध लाते हैं। दूध का सीधा संबंध चंद्र से होता है। पैकेट में दूध लाया, पलटा और पैकेट को फेंक दिया। अब ये जो उसमें दूध लगा हुआ होता है ये आप फेंक रहे हैं, तो पैसा भी पानी की तरह फेंकेगा आपके घर से। तो पैकेट वाला दूध लाइए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या करें कि जब पैकेट से दूध निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें और पानी डाल के उसको थोड़ा सा खंगाल लें और फिर उसमें दूध में पलट दें, फिर पैकेट को फेंक दीजिए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं दोस्तों जो आपकी जिंदगी में आप खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। इन चीजों को हमेशा फॉलो करें। और आज एक खास रेमेडी बता रहा हूं आपको। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी प्रसारित करूं तो आपके काम की हो, तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाए। और यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है। आप कितनी भी एस्ट्रोलॉजर की कुछ भी रेमेडीज करें, तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है वो 100% रिजल्ट देती है, समस्या का समाधान मिलता है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 दिन की एक विशेष पूजा की जाती है शाबर मंत्रों के द्वारा। 18 दिन में आप अपनी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलता, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा।
ये 18 दिन की पूजा होती है। विशेष पूजा शावर मंत्र के द्वारा बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस कर दिया जाता है। अगर ये विशेष पूजा का अनुष्ठान विधि आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर पूजा बुकिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें, आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। किसी भी बुधवार के दिन में थोड़ी सी काली तिल, थोड़ी सी सफेद तिल, इन दोनों को सीधे हाथ में रखें, अपने पूजा स्थान में बैठ करके ओम रांग राहवे नमः ये 44 टाइम्स, ओम केम केतवे नमः 77 टाइम्स और ओम सम शनिश्चराय नमः 88 टाइम्स इस मंत्र का जाप करके एक गमला लें, मिट्टी डाल करके उसमें इसको आपको क्या करना है, तिल को डाल देना है। थोड़ी सी तिल लेनी है, एक एक चुटकी, दो दो चुटकी, ठीक है। और इसको अपने घर के नैगृत्य दिशा में, यानी कि आपका साउथ, आपका दक्षिण और आपका पश्चिम, इसके बीच का जो कॉर्नर है, नैगृत्य कोण है, यहां पर इस गमले को रख दें। इसमें डेली पानी डालें और जब ये धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा, फिर इसमें फूल आने लगे, सफेद वाला, सफेद तिल का फूल जो होता है, इसमें दोस्तों कलर आएगा कुछ नीला, कुछ सफेद और नीले कलर का कुछ फूल आएगा, और काली तिल का फूल सफेद कलर में आएगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी सोच जब इसमें फूल आने लगे, अगर घर में कर सकते हैं तो घर में कर लें, अगर बाहर कहीं तिल का अगर फूल मिल जाता है तो उससे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इनमें से एक एक दो दो फूल तोड़ लें, एक पात्र में कच्चा दूध लें और उसमें पुष्प डाल दें। अब इसको लेकर के शिव मंदिर में जाएं, किसी भी शिवालय में जाएं। दोस्तों प्रयोग को आजमा करके देखिएगा एक बार, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है ये। जिसको भी मैंने प्रयोग दिया है उसको बहुत 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 लाभ हो रहा है, बहुत अच्छे इसके जो फायदे हैं, इसके जो लाभ हैं, मैं नहीं गिनाऊंगा, आप खुद मुझे गिनाएंगे अगर ये प्रयोग कर लेंगे तो। कमेंट्स बॉक्स में आके खुद बताएंगे आप। शिव मंदिर में जाना है, ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप अभिषेक करें पहले भगवान का, शिव जी का, और इस मंत्र का जाप करें 108 बार। उसके बाद में महादेव को अपनी आर्थिक समस्याओं से दूर होने का, कर्ज से मुक्त होने का, गरीबी दरिद्रता को दूर करने का प्रार्थना करें। एक सोमवार से दूसरे सोमवार में आपको उसका रिजल्ट साफ साफ दिखाई देने लगेगा। पूरे विश्वास के साथ में सही विधि से अगर आपने इसको कर लिया दोस्तों, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। ये प्रयोग दोस्तों आप सोमवार के सोमवार करते रहें, इसके लाभ बहुत अधिक है। यहाँ पर शनि राहु केतु तो आपके बैलेंस होंगे, महादेव की विशेष कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। कभी आपका घर या कभी भी कोई भी ऐसा काम जो पैसों से संबंधित होगा वो कभी आपका नहीं रुकेगा। चारों तरफ से आपकी जिंदगी में धन के हजारों मार्ग खुलेंगे, बड़े बड़े काम आपके बनने लगेंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे जहां से आपको धन की प्राप्ति हो। आपको ये समझ लीजिए कि मनी चैलेंजेस लाइफ में फेस नहीं करना है तो ये रेमेडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो थोड़ी सी मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ती है ना। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, इसकी ज्यादा पूजा पाठ नहीं है, लेकिन इस प्रयोग को आप करिए, पूरी लगन के साथ में करिए और उसके बाद में रिजल्ट देगी, बस चमत्कार देखिए लाइफ में। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, आपकी भेजी हुई एक जानकारी से और लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान, या राहु की विशेष पूजा उसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।